तो सबसे पहले खबर है उन नौजवानों के लिए जिनका सपना है सेना में अपनी सेवा देने का। और ये सुनहरा मौका देते हुए सेना ने अगले ही महीने यानी दीपावली के बाद मथुरा में भर्ती मेला आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक भर्ती की प्रक्रिया चलेगी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। अगली खुशखबरी है यूपी में बीटीसी प्रशिक्षुओं से जुड़ी हुई, जिनको नौकरी देने का पूरा भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल चतुर्थ सेमेस्टर की निरस्त परीक्षा जल्द कराने और टीईटी टालने की मांग को लेकर गुरुवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,00,000 पदों पर भर्ती करेगी। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही बीटीसी प्रशिक्षुओं से ये भी कहा कि वो न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखें, क्योंकि आगे रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। त्योहारों में रेलवे अक्सर खुशखबरी देता ही है और इस बार भी इस त्योहारी सीजन खास तौर से दीपावली के बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेन इलाहाबाद से आनंद विहार टर्मिनल के लिए होगी। 24 कोच की इस सुपर फास्ट ट्रेन में सामान्य, स्लीपर, AC3 और AC2 के कोच रहेंगे। और अब शिमला के लोगों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब पानी की किल्लत से जूझ रही शिमला के जल्द ही अच्छे दिन आ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी को 24 घंटे पानी देने के सतलुज वाटर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रोजेक्ट को वॉशिंगटन में हुई वर्ल्ड बैंक की बैठक में मंजूरी मिली। 930 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का टेंडर अगले महीने कर दिया जाएगा और फिर इस 930 करोड़ की राशि से सतलुज नदी से पानी को लिफ्ट किया जाएगा।